अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने सोचा ईद की शॉपिंग पे एक व्लॉग बना लिया जाए, और ये मेरी बेटियों की ईद की शॉपिंग है। मैंने कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं लिया, सिर्फ टी शर्ट्स, जैकिंग्स और लेगिंग्स ही लिए, जो कि गर्मी के मौसम में ज़रा ईजी हो। ये टी शर्ट मेरी फेवरेट है, इसका स्टाइल बहुत फंकी है, इसके साथ प्लाजो है डॉट्स में, और ये भी एक कैजुअल टी शर्ट है। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, मेरी बेटी ने ट्राई किया था तो उस पर बहुत अच्छा लगा था। और एक मैंने मैक्सी ली है, जो कि फुल लेंथ मैक्सी है डेनिम में, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बनी हुई थी। अब चलते हैं मेरी छोटी बेटी की ईद की शॉपिंग की तरफ। ये उसके शूज़ हैं और ये इसके ड्रेसेस हैं, मैंने सब तैयार करके हैंग किए हुए हैं, उसके साथ बिब भी अटैच कर दी हुई है। ये भी बीच में कुछ ड्रेसेस हैं जो ईद के नहीं हैं, लेकिन उसने अभी तक पहने नहीं हुए हैं। ये ईद का ड्रेस है, इसके साथ जीन्स है, और ये भी बहुत खूबसूरत है, इसके ईद कलेक्शन थी ये। एक ये ड्रेस ईद का है, इसके साथ भी मैंने इसकी बिब अटैच की हुई है, नीचे इसकी टाइट्स है। ये एक स्वेटर है कि अगर थोड़ा ठंड हो तो एसी वगैरह में उसको पहना दिया जाए। इसके साथ भी पेपर अटैच है, और एक हेयर ड्रेस है ग्रे में, क्योंकि वो बहुत छोटी है तो उसके लिए भी मैंने बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस लिए हैं जिसमें वो इजी रहे। फ्रॉक्स वगैरह में बच्चे कुछ इजी नहीं रहते, ये उसका क्योंकि उसकी ये फ़र्स्ट ईद है तो ये उसके लिए मैंने शर्ट ली है माई फर्स्ट ईद की। ये फ्रॉक भी अभी तक उसने पहना नहीं है, और शायद ये इस बार इसको आ जाए। और ये है एक्सेसरीज इनकी, मेरी बेटी को जोजो सीवा बहुत अच्छी लगती है, उसकी फेवरेट है जोजो सीवा, और मुझे ग्लिटर और ब्लिंग ब्लिंग चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने सारे शायद ग्लिटर में ही चीज़ें ले ली हैं। ये सब एक्सेसरीज़ हैं, हेयर बैंड, पिंस, पोनीज, क्लिप्स, जो इसमें से कुछ वो यूज़ करेंगी। बड़ी बेटी के भी मैंने एक ही शूज़ लिए हैं, दूसरे उसके अभी लेने बाकी हैं, शायद ले लूँ शायद ना लूँ। मैंने सोचा अब नए कपड़े लिए हैं तो ये कपड़े जो बाकी हैं वो सब जो उसको नहीं आते वो डोनेट कर दिए जाएं, और थोड़ा वार्डरोब को उसके हल्का किया जाए। छोटी बेटी के भी मैं कपड़े इसी तरह करती हूँ, जो कपड़े उसको नहीं आते छोटे हो जाते हैं वो सब मैं डोनेट कर देती हूँ, पाकिस्तान भेज देती हूँ एक बैग बना कर, तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ। छोटे रॉम्पर्स जो भी सर्दियों के कुछ कपड़े थे वो सब मैं पाकिस्तान भेज देती हूँ, जो भी आपकी फैमिली में कोई हो या आउट ऑफ फैमिली कोई हो तो किसी के इस्तेमाल में आ जाती हैं वो चीज़ें, तो वो लोग वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, और सवाब भी होता है ऐसे रख के, गुनाह होता है कि आप अपने पास जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आप रख लें, किसी दूसरे को उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, और शायद हमारी वजह से किसी और की भी ईद अच्छी गुजर जाए। ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ के लिए बनाई है कि जो जो लोग ये वीडियो देखें वो भी यही किया करें। हम लोग काफ़ी चीज़ें संभाल कर रखते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, और पड़ी पड़ी वो ख़राब हो जाती हैं, तो किसी को ख़राब चीज़ देने से अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ें दें। ये सब कपड़े जो हैं वो आयंड हैं और प्रेस हैं, धुले हुए हैं, तो ये ऐसे ही बैग पैक होगा। अभी हमारे एक रिलेटिव हैं जो पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके पास इतना लगेज नहीं है तो वो ये बैग कैरी करके पाकिस्तान ले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी ये इनिशिएटिव लें, अपनी चीज़ें डोनेट किया करें, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, कोई भी चीज़ हो उसको किसी दूसरे को दें, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है साथ में बैग पैक करने में, और अब ये बैग पैक हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Thank you for watching. Allah Hafiz.